अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं एक टेक्सचर जो है वो रीन्यू करने लगी हूँ, काफ़ी वो पुराना हो गया था, तो क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। अच्छा जी, ये टेक्सचर जो है ये इतना सा ही है टब में, और ये थी रेड डर्ट और सैंड। और देखें इसका कलर जो, ये तो मैंने ऊपर न्यू वाली डाली है ना, ये देखें इसका कलर कितना लाइट हो चुका था, मीन यूज़ हो के इसको मैंने अच्छी तरह से शिफ्ट किया हुआ है। और इसमें अब मैं न्यू रेड डर्ट डालूंगी ताकि एक तो थोड़ी सी ये ज़्यादा हो जाए, और दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा सा कलर जो है वो इसका डार्क हो जाए, बहुत ज़्यादा ना भी हो लेकिन बिल्कुल ही। इसको जब हम इसकी शेप्स बनाते हैं तो ये लगता ही नहीं है कि ये रेड डर्ट की शेप है, ऐसे ग्रे सी शेप्स होती हैं तो नहीं पता चलता। फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि ये रेड डर्ट नहीं है, हालांकि ये रेड डर्ट ही है। तो हम लोग इसमें ये देखें न्यू रेड डर्ट, आप इसके और इस कलर में फर्क देख सकते हैं ये। तो इसमें हम लोग रेड डर्ट डालेंगे न्यू वाली, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मैंने टब में डाल के रखी हुई है, अभी हम लोग सारी डाल देते हैं। ये सिफ्टेड है, यानी ये सारा टेक्सचर जो है वो बिल्कुल प्योर होगा, सॉफ्ट। अच्छे से हम लोग अब मिक्स करेंगे, ये आप लोग कलर देख सकते हैं। मिक्सिंग हम लोग ने इसकी सही तरीके से करनी है। बिल्कुल सॉफ्ट है, थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो गया है, लाइट से थोड़ा डार्क हुआ है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसमें और कुछ भी नहीं ऐड, सैंड थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, रेड डर्ट थी जो कि बिल्कुल उसका कलर लाइट हो गया था, और अब मैंने न्यू रेड डर्ट डाली है। बाकी सीमेंट वगैरह हम लोगों ने इसमें नहीं डाला, और ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर है। सही से मिक्स कर लिया हम लोग मिक्स करेंगे। देखें बस इतना सा ही पानी ऐड करना है हम लोगों ने, कोई भी शेप लेकर जो है वो हम लोग उसमें ऐड करेंगे टेक्सचर, और फिर शेप निकाल लेंगे। अच्छे से टैप करने के बाद हम लोग आप देखते हैं कि ये जो न्यू टेक्सचर होगा कैसा होगा, इसकी शेप्स कितनी सॉफ्ट होंगी, और कलर क्या होगा। आई होप सो कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव थम्स अप टू माई वीडियो।
लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।